तो हम हिस्ट्री जो पढ़ रहे थे, असहयोग आंदोलन या नाफरमानी वाला आंदोलन पढ़ रहे थे, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, तो जनता के तौर पर जो हम लोग उनका कहना नहीं मानेंगे, तो उसके बारे में ये लिमिट्स हैं। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाई द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, तो सभी जो वर्ग थे समाज के वो लोग इससे स्वराज से प्रभावित नहीं हुए। वन सच ग्रुप वाज नेशंस अनटचेबल्स हु फ्रॉम अराउंड द 1930s हैड बिगन टू कॉल देमसेल्व्स दलित और अप्रेस्ड। तो एक ऐसा ग्रुप था उसमें से जो अनटचेबल थे, जो अछूत उनको कहते थे उस समय, तो वो लोग अपने आप को उन्होंने दलित कहलवाना शुरू किया कि दलित का मतलब है हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता रहा समाज में। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित, तो बहुत देर तक कांग्रेस ने दलितों का की अवहेलना की, यानी उन पर ध्यान नहीं दिया। फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, क्योंकि जो सनातनी थे, जो ऊंचे दर्जे वाले लोग थे, वो उसका विरोध करेंगे। द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, बट यानी कि जो पुराने ख्यालों वाले हाई ऊंची जात वाले हिंदू थे, वो उसका विरोध करेंगे। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर ए 100 years ऑफ इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड, परंतु महात्मा गांधी ने कहा कि अगर जो छुआछूत है, अगर वो उसको ख़त्म नहीं किया गया, तो हमारा जो स्वराज है वो 100 साल तक नहीं आ सकता। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स, उन्होंने अनटचेबल्स को यानी अछूत लोगों को उन्होंने हरिजन का नाम दिया। हरिजन का मतलब भगवान के व्यक्ति, और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर्ड देम एंट्री इन टू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स टैंक्स रोड्स एंड स्कूल्स। तो पहले जो अछूत होते थे उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, पब्लिक कुएँ जो आम कुएँ थे वहाँ से उनको पानी नहीं देते थे, और सड़कों पर उनको जाने नहीं देते थे, स्कूलों में उनको जाने नहीं देते थे। तो गांधी जी ने इसके बारे में उनके लिए सत्याग्रह किए, ताकि उनको मंदिरों में, कुओं में, स्कूलों में जहाँ जाने दिया जा सके। ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी द स्वीपर्स, जो भंगी जो सफाई कर्मचारी वाले होते थे वो लोग, वो उन लोगों से टॉयलेट लोग साफ करवाते थे। तो गांधी जी ने उनके साथ मिलकर टॉयलेट शौच का सफाई का काम किया। एंड परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हर्ट्स, तो ऊंची जाति के लोगों को अपना जो मन था उसको बदलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अछूत का स्वछूत का जो पाप था उसको ख़त्म करने को कहा। तो बट मैनी दलित लीडर्स वर बीन ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी, परंतु कुछ जो दलित लीडर थे इस समस्या का अलग हल चाहते थे। दे बिगैन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, अपने आप को इकट्ठा करना शुरू किया, और जो शैक्षणिक संस्थाएं थीं वहां पर अपने लिए उन्होंने रिजर्व सीटों की मांग की। एंड ए सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, वो चाहते थे कि उनके लिए इलेक्शन में भी सीटें रिजर्व हों, ताकि वो अपनी जाति से अपने प्रतिनिधि चुन सकें। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज़, तो जो सामाजिक तौर पर उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ था, उनकी जो समस्याएं थी, तो उनको हल करने के लिए वो चाहते थे कि हमें पॉलिटिकल ताकत मिले, हमारे जो लोग चुने जाएंगे वो हमारा भला करेंगे। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड, तो जो अछूत लोग थे उनकी जो हिस्सेदारी थी इस सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में वो थोड़ी थी। पार्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन्स वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग,
यहाँ पर उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी स्ट्रांग थी, वहाँ पर उनकी वहाँ पर जो आंदोलन में महात्मा गांधी जी के आंदोलन में उनकी शमूलियत बहुत कम थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज्ड द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। जो बी आर अम्बेडकर जी थे वो दलितों के लिए एसोसिएशन बनाई थी उन्होंने 1930 में, तो उनका गोलमेज कॉन्फ्रेंस के समय उनका महात्मा गांधी के साथ उनकी बहस हुई। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर्स डिमांड गांधी जी बिगैन ए फास्ट अनटू डेथ। जब ब्रिटिशर्स ने बी आर अम्बेडकर जी की डिमांड को मान लिया तो गांधी जी ने अपना मन व्रत रखा। ही बिलीव्ड दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स वुड शो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटेग्रेशन इनटू सोसाइटी। तो वो ये उनका ये मानना था कि अगर दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट रखा गया तो उससे जो समाज है वो टूट जाएगा। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जीज पोजिशन एंड द रिजल्ट वॉज द पूना पैक्ट ऑफ सेप्टेम्बर 1932। हटना नहीं है ना, तो उससे फिर उनमें आपस में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी में समझौता हो गया 1932 में, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेज लेटर टू बी नोन एज शेड्यूल क्लास कास्ट रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो उनको फिर जो उनको बाद में ये जो दलित थे उनको शेड्यूल कास्ट कहा गया, तो उनके लिए आरक्षित सीट्स रखी गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में। बट देवर टू बी वोटेड इन बाई द जनरल इलेक्टोरेट। उनको जो वोटिंग थी वो सभी लोग मिलके, जनरल इलेक्टोरेट आम लोग थे, कोई भी जाति के हों वो सभी उनको वोट करते थे। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी अपरहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो वो लोग मिलकर कांग्रेस के साथ मिलकर जब अपनी लड़ाई लड़ते रहे। सम ऑफ द मुस्लिम पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वर आल्सो लुकवर्म इन द रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। कुछ मुस्लिम संस्थाएं भी थी जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी के साथ थी। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट अलाइनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। जब खिलाफत नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो गया तो मुस्लिम जो लीडर्स थे उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग समझा। फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स। तो 1920 के बाद कांग्रेस जो थी वो हिंदुओं के साथ दिखी, लाइक द हिंदू महासभा एट एज रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर्सेंट। तब हिंदुओं और मुसलमानों के जो संबंध थे वो ख़राब हो गए। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस प्रोसेशंस एंड मिलिटेंट फेवर। उन्होंने राजनीतिक तौर पर जुलूस निकाले और उनमें मिलिटेंट आउटफिट्स भी थे प्रोवेलिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेज, जिससे मुसलमानों और हिंदुओं में दंगे हुए एंड रॉयट्स हुए इन वेरियस सिटीज़। बहुत सारे शहरों में एवरी रॉयट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज। हर अलग दंगा जो होता था उससे उनकी दूरी जो दिखती थी। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रिकोगनाइज एन अलायंस। तब कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने एक समझौता करने की कोशिश की एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच ए यूनिटी कुड बी फोर्ज्ड। तब लगा कि 1927 में ये एकता हो जाएगी। द इम्पोर्टेंट डिफरेंस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज। तो उनका जो प्रश्न था, मुद्दा था दोनों का, वो था कि असेंबली में जो इलेक्शंस होंगे उनमें प्रतिनिधि किसको बनाया जाएगा। दे वर टू बी इलेक्टेड मोहम्मद अली जिन्ना वन ऑफ द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। तो जो मुस्लिम लीग का एक लीडर था
मोहम्मद अली जिन्ना, वो चाहता था कि अलग जो इलेक्टोरेट है मुस्लिम्स के लिए, वो उनकी मांग को छोड़ना चाहते थे। इफ़ मुस्लिम्स वर अश्योर्ड रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन और इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा है वहाँ पर उनकी उसी अनुपात में उनको सेंट्रल असेंबली में अगर रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए और सेंट्रल असेंबली में उनको रिजर्व सीट दे दी जाए, तो वो अपना अलग इलेक्टोरेट का मांग छोड़ना चाहते थे। बंगाल और पंजाब में मुसलमान ज़्यादा थे। नेगोशिएशंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड, बट ऑल होप ऑफ द रिवॉल्विंग द इशू ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिसअपीयर्ड व्हेन एम आर जयकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज एफर्ट्स एट कम्प्रोमाइज। तो ये जो आपस में जो उनकी बातचीत चल रही थी वो टूट गई जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई 1928 में, तो एम आर जयकर जो थे हिंदू महासभा के, उन्होंने इस उनकी जो मांगें थीं उनको मानने से इनकार कर दिया और कॉम्प्रोमाइज टूट गया। देन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्टेड, देयर वर वाज दस नो एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ तब भी दोनों में आपस में विश्वास नहीं था और उनमें सस्पिशन थी। एलाइनेटेड फ्रॉम कांग्रेस लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर यूनाइटेड स्ट्रगल्स। बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के साथ से अलग थे वो मिलकर उस संघर्ष में शामिल नहीं हुए। मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज ए मिनोरिटी विद इन इंडिया। तो उन्होंने ये सोचा के देश आज़ाद होने के बाद मुस्लिम जो होंगे इंडिया में मिनोरिटी के तौर पर एक कम गिनती के रूप में रह जाएंगे। दे फियर्ड दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ मिनोरिटीज वुड बी समर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी। तो उनको लगता था कि आज़ादी के बाद मुसलमानों की जो उनका पहचान है, उनका जो कल्चर है, वो हिंदू कल्चर में उनकी डोमिनेशन की वजह से, उनकी मतलब शक्ति की वजह से वो उसमें विलीन हो जाएगा।